हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीनू। वेलकम बैक टू द चैनल द एस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था, बहुत सारे पोर्टफोलियोज रेड पे हो चुके हैं। कैसे ट्रेड करें मार्केट के अंदर, जो हमारे पोर्टफोलियो हैं क्या वो रिकवर हो सकते हैं आने वाले टाइम पे? अगर आपके पास स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के हैं डेफिनेटली वो रिकवर हो सकते हैं, बट अभी के लिए क्या करें जब हमारे वो स्टॉक्स उस पे पैसा लग चुका है, हमारे पास एक सरप्लस फंड अभी भी रिजर्व है, क्या हम वही पैसे अपने जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हमारे होल्डिंग्स में पड़े हुए हैं क्या उन्हीं पर ही लगा दें, या कुछ ऐसे नए स्टॉक्स बाय कर पाएँ जो टेक्निकली साउंड गुड स्टॉक्स हो, जो हमें एक महीने के अंदर एक अच्छा रिटर्न दे पाएँ, जिससे हमारे जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में उसका लॉस भी रिकवर। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं कवर करवाने वाला हूँ ऐसे तीन स्टॉक्स जो एक महीने के अंदर अंदर हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। हमें नहीं पता अभी भी कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जा सकती है, क्या शायद यहीं से भी मार्केट नीचे डिक्लाइन कर सकती है। शायद जून का महीना हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिले और जुलाई के महीने में दोबारा मार्केट 4-5% गिर जाए, बट अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं नॉट लॉन्ग टर्म बट एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कि हमारे जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं जो भी हमें पास्ट फ्यू वीक्स या मंथ्स के अंदर लॉस हुआ है वो हम दो तीन स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत कवर अप करने की कोशिश कर पाए। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, इसके अलावा कौन से स्टॉक्स बाय कर सकते हैं और उनका सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। सो चलते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसके अलावा बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोस ऐसी मैं बनाते रहूँगा जिससे आप लोग मार्केट के अंदर अगर लॉस कर रहे हैं तो उसको आप एज अ प्रॉफिट के थ्रू जनरेट कर पाए। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप। तो जैसा कि हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, अभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 मई से, और आज हो गया है मंथली एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है, आज फ्राइडे है 27th ऑफ मई, निफ्टी एग्जैक्टली एक रेंज बाउंड के अंदर है। टोटल 20 डेज हो चुके हैं जिसमें निफ्टी एक रेंज बाउंड के अंदर परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी तक निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट दिया नहीं है, ब्रेकआउट लेवल है 16,400 रुपीज़ का। अब मार्केट पर अगर आप चेक करना चाहोगे तो मार्केट में आप देख पाओगे कि निफ्टी अभी भी एक रेंज बाउंड है, बट बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट दे चुका है, अपने 3 वीक्स के रेंज का बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सबसे बड़ा पुटअप होता है कि हमारे माइंड में आ रहा होगा सर बैंक निफ्टी ने तो ब्रेकआउट दे दिया, दैट मीन्स कि रेंज का ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पर एक बाय सिग्नल होगा। बट आपको एक बात याद रखनी है कि निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी चलता है, ठीक है? तो यानी कि अगर निफ्टी के पास एग्जैक्टली अभी 50 रुपये ऊपर एक हेवी रेजिस्टेंस है ना, तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया हो या ना दिया हो वो वहां से भी नीचे गिर सकती है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि अगर निफ्टी अपना मंडे की ओपनिंग में हम देखते हैं कि इस वीकेंड कोई भी बैड न्यूज नहीं आती है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, या हम लोग देखते हैं कि आज यूएस की मार्केट भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है या ज्यादा फॉल नहीं करती है, सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि कल मंडे को एक गैप अप हो सकता है जो कि 16,400 के ऊपर जा सकती है। आई ऑल्सो रिकमेंड अदर पीपल्स कि हम लोगों ने 16,350 का कॉल ऑप्शन भी बाय करवा है, बिकॉज ऑफ द डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और कोई भी अभी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही और हमारा जो US मार्केट है वो भी हल्के हल्के सस्टेन कर रहा है और वेरियस अदर सेक्टर्स हैं हमारी मार्केट के अंदर जो डबल बॉटम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारे लिए सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए कि जैसे ही ये 16,400 को ब्रेक करेगी और हम लोग देखते हैं 30 मिनट्स तक ये सस्टेन भी करती है ऊपर के लेवल को, तो जो भी स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो हमारे लेवल्स पे आते हैं और वो ब्रेकआउट देते हैं तब हम एंटर कर सकते हैं। अगर क्या होता है कि ऊपर जाने की तो कोशिश करा मंडे को मार्केट पर, बट हम देखते हैं कि उसके बाद यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हो रहा है, हम अपने स्टॉक्स पर भी एंटर नहीं करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी एक लॉसेस फेस कर चुके हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, हम नहीं चाहते कि हम एक मेजर रिस्क लें। सो व्हाट वी डू, हम सबसे पहले निफ्टी को फोकस करेंगे, जैसे ही 16,400 को ब्रेक करेगी तभी हम लोग एंटर करेंगे। एक बार बैंक निफ्टी को मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में आप क्लियरली देख सकते हैं ये भी 6 मई से ऑलमोस्ट 26 मई तक था एंड एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। ऑन अ 2 आवर्स टाइम फ्रेम 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी चला गया, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम 20 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग के ऊपर भी जाके लूज कर चुका है, विच इज अ गुड साइन। बट क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन निफ्टी, कि निफ्टी में अगर ब्रेकआउट आएगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, अदरवाइज निफ्टी अगर नीचे जाना स्टार्ट करता है अपने हेवी रेजिस्टेंस को टेस्ट करके तो बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली नीचे आ सकता है, ठीक है? सो चलते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको सेक्टर दिखा देता हूँ कि जिस सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज ऑटो सेक्टर। लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फॉर यू ऑल। सो यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि ऑटो सेक्टर पे अभी हम लोग बुलिश है एंड क्लियर बेसिस पे अगर आप चेक करना चाहेंगे तो मेजर फॉल हमें ऑटो सेक्टर के अंदर देखने को नहीं मिली है।
रियलिटी सेक्टर्स थे, आईटी सेक्टर्स थे, जिसके अंदर हमें एक मेजर फॉल देखने को मिली थी, बट यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है और जैसे मार्केट रिकवर करती है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है और रिकवर कर रहा है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं इसका एक ऑल टाइम हाई है जो कि 20 दिसंबर 2017 को होना था, ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास का, और उसको रीटेस्ट करके अभी रिसेंटली नवंबर 2021 पे भी आया था एंड इट्स ट्राइंग अगेन कि ये ब्रेकआउट दे पाए। एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर भी बन रहा है। सो आई थिंक ये सेक्टर एक बुलिश है, हम इसके अंदर एक फोकस लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने सबसे पहले स्टॉक की। सो गाइस आवर फर्स्ट स्टॉक इज हीरो मोटोकॉर्प। अब हीरो मोटोकॉर्प मैंने आपको क्यों दिया है, आप क्लियरली देखिएगा मार्च 2020 से ऑलमोस्ट फेब 2020 आप देख सकते हैं मार्च ही स्टार्ट हो चुका था, तो एक साल तक इसने ऑलमोस्ट 1350 रुपीज से 3500 तक की रैली दी थी। एक स्मूथ इंपल्स मूव हीरो मोटोकॉर्प ने प्रोवाइड करवाई है। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा एक लोअर लोज एंड लोअर हाइज का कंटिन्यूशन फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करते रहा। बट अगर आप रेंज को क्लियरली स्टडी करोगे, मैंने ऊपर रेजिस्टेंस का जोन बना रखा है, नीचे सपोर्ट का जोन, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो नीचे सपोर्ट का जोन है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, आप देख रहे हो उसके जो लोज है वो और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। आफ्टर दैट जब इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रेंज को काम करते हुए ऑलमोस्ट मार्च 21 से लेके मई 2022, ये ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा हो चुका है कि ये हीरो मोटोकॉर्प एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और इसने दिस वीक एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके सस्टेन भी करा है। अब यस, सस्टेन कर लिया, ब्रेकआउट दे दिया, तो शुड वी एंटर? नो, हमें यहाँ पर एक पॉसिबल एंट्री ढूंढनी पड़ेगी, एक परफेक्ट एंट्री ढूंढनी पड़ेगी जहां पर वो स्टॉप लॉस, अगर वो नीचे भी जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, वहीं से रिवर्स कर जाए। सो लेट मी शो यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि जब इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा, देखिए एवरीथिंग इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम, इस प्रीवियस हाई से नीचे आया था, क्रिएटेड अ डबल बॉटम, अगेन ये ऊपर गया है। सो डेफिनेटली व्हाट प्राइस, जो भी करंट प्राइस चल रहा है दैट इज 20 रुपीज का, हमें जो बाय करना है वो अबव करना है 20 रुपीज के ऊपर। Yes guys, अगर हम 2250 के ऊपर बाय करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज होगी कि डबल बॉटम पैटर्न का जो सिनेरियो था, जो स्ट्रक्चर था, उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड चीज, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है उसके ऊपर जाके एक क्लोजिंग दे देगा, विच इज अ सेकंड गुड थिंग। एंड थर्ड थिंग, कि ये जो एक कंटिन्यूस फॉल हम लोग देख रहे हैं लोअर लो लोअर हाई का, उस पर ये एक हायर हाई भी क्रिएट कर देगा। दैट मीन्स कि बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा, अगर इस लेवल पर ब्रेकआउट आता है, जिस लेवल से एक अच्छी फॉल आई थी, तो हम अपना एक बाय सेटअप बना सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी 2935 रुपीज का, एंड अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है देन आर नेक्स्ट टारगेट शुड बी, जस्ट लेट मी शो यू, फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस लेवल जो कि ऑलमोस्ट 6.66% का रिटर्न है, एंड अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है देन आर नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 13% विच इज 3120 रुपीज का टारगेट। अब मैंने ये लेवल क्यों सेलेक्ट करा, व्हाई नॉट दिस ऑल टाइम हाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इस लेवल का एक फॉल करा था, इस लेवल से एक पुल बैक एंड एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई। सो जो इस फॉल और इस बियरिश कैंडल का जो मिड पॉइंट है दैट इज दिस लेवल, दिस शुड बी आवर टारगेट। वी हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक, हमें कैसे अपने टारगेट्स को चूज करना है, अदरवाइज हम लोग दोबारा लॉसेस फेस कर सकते हैं। नाउ लेट कम टू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम और स्टडी करते हैं व्हाट शुड बी आवर स्टॉप लॉस। सो अगर आप स्टॉप लॉस को चेक करोगे तो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलमोस्ट अ वीक हीरो मोटोकॉर्प सस्टेन करा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अगर हम यहाँ पर आप चेक करना चाहें तो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं, बट वो एक छोटा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा हमारा। ये स्टॉप लॉस कम हो सकता है बट हमारा स्टॉक एक रिस्की हो जाएगा, हमें 1% का भी रिस्क नहीं चाहिए। सो वॉट वी कैन डू इज हम अपने वॉल्यूम मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को यूज करेंगे एंड उसके थ्रू एक परफेक्ट स्टॉप लॉस एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक लेवल है जहां पर मल्टीपल वॉल्यूम्स है, ठीक है, इस एग्जैक्टली इस लेवल पे। सो व्हाट वी कैन डू इज हम इस लेवल के नीचे अपना एक स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। अब यस, आप लोगों को लग रहा है स्टॉप लॉस इज वेरी ह्यूज, डेफिनेटली गाइस स्टॉप लॉस एक ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो गया है, ऑलमोस्ट 10% का स्टॉप लॉस, बट यू डोंट हैव टू वरी, अभी हम लोग ये स्टॉप लॉस एज अ सिस्टम पे मेंटेन करके रखेंगे। जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता है हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमैटिकली इस लेवल पे आ जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट 3% का स्टॉप लॉस। सो दैट मीन्स हमारा स्टॉप लॉस अभी सिस्टम के अंदर एक परफेक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन होगा।
जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ले आएंगे एग्जैक्टली 2640 रुपीज पे एंड सो ऑन. जैसे ही ऊपर जाते रहेगा हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे एंड दैट डेफिनेटली यू हैव टू डू बिकॉज हमें नहीं पता कि मार्केट कितना गिर सकती है. अब बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक की. आई होप ये स्टॉक आपको समझ में आ गया. सो आर सेकेंड स्टॉक इज ऑल्सो फ्रॉम ऑटो सेक्टर दैट इज M&M. M&M आप चेक कर सकते हैं ऑलमोस्ट ऑगस्ट 2018 पे इट क्रिएटेड अ ऑल टाइम हाई एट 960-965 के आसपास एक रेंज पे इसने बनाया था एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने एक बहुत अच्छी फॉल देखी थी जो ऑलमोस्ट 230 रुपीज के लेवल तक ले गई थी. आफ्टर दैट अब वी शेप रिकवरी इस लेवल पे दोबारा आया, दोबारा सस्टेन नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन मिला एंड अगेन इट फॉल डाउन. अगेन इसने दो बार ट्राई करा, क्रिएटेड अ डबल टॉप एंड अगेन इट फॉल डाउन. नाउ इट्स ट्राइंग इट अगेन. आप चेक कर सकते हो इट्स अ वेरी गुड वी शेप रिकवरी एंड यहाँ पर अगर आप चेक करोगे इट ऑल्सो क्रिएटेड अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न. एज यू कैन सी इट हेयर इट क्रिएटेड अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट एट 950 रुपीज. बट क्या आप बाय कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. वट वी कैन डू इज बहुत अच्छा रेंज है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, तो अगर ये अपने 962-965 के ऊपर ही निकलता है और एक अच्छी क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम, देन हम इस पे बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो बट यू कैन डू अ बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इन महिंद्रा एंड महिंद्रा. अब कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ अर्ली कैंडल टू क्लोज अबव 962. जैसी अर्ली कैंडल क्लोज होगी 962 के ऊपर हम लोग एक एंट्री लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर M&M का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 962 रुपीज पे तो हम लोग अगर आप लोग 100 क्वांटिटीज बाय करना चाहते हो तो व्हाट यू विल डू आप सिर्फ 30 या 40 क्वांटिटीज बाय करोगे ऑन अ ब्रेकआउट. ब्रेकआउट पे आप जैसी बाय करोगे तो एक देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 2-3 साल से ज्यादा का यहाँ पर एक रेंज है जिसका वो ब्रेकआउट देने वाला है. सो जैसी ब्रेकआउट होगा एक रैली बहुत ऊपर हमें देखने को मिलने वाली, मतलब एक सडन मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं. सो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग 40% या 50% क्वांटिटी तो डेफिनेटली ऐड करेंगे और वो जो मोमेंटम आएगी ना ब्रेकआउट के समय हम उसको पूरा कैप्चर कर लेंगे एंड आफ्टर दैट ब्रेकआउट हम वहां से एग्जिट कर लेंगे. वो जो ब्रेकआउट की मूवमेंट हम कैप्चर करेंगे हम लोगों ने प्रॉफिट ले लिया और हम एग्जिट कर गए. आफ्टर दैट हम लोग वेट करेंगे कि ये नीचे आए और डेफिनेटली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन ये एक बार नीचे आएगा, एक बार ट्रैप करने की कोशिश करेगा जितने लोगों ने भी बाय पोजीशन बनाई है उनके स्टॉप लॉस इसको वेट करने के लिए. और वो जैसे ही आएगा दैट इज द परफेक्ट टाइम व्हेन वी हैव टू एंटर इन M&M फॉर अ 1 month पीरियड. अब बात करते हैं फॉर अ टारगेट. सो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ये एक रेंज कंसोलिडेशन था. इस पर्टिकुलर रेंज का कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था फ्रॉम जैन 2021 टू ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो चुके हैं एंड जब इसका अगर ब्रेकआउट देगा तो ऑलमोस्ट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि एक 50% तक की तो अपमूव बहुत इजिली प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है, अपने इस रेंज का. सो व्हाट शुड बी द टारगेट इज दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 14.14% का टारगेट हमें इजिली M&M प्रोवाइड करवा सकता है. तो गाइस जो भी मैं स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आई एम गोना शेयर विद यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल. तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है. एज वेल एज मैं लाइव मार्केट के अंदर जब भी मार्केट ओपन होती है तो मैं बहुत सारे आपको रिकमेंडेशंस, आपको एनालिसिस प्रोवाइड करवाता हूँ थ्रू वॉइस नोट्स, थ्रू चार्ट्स एंड आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है इसके अकॉर्डिंग. सो चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ. सो लास्ट स्टॉक इज लिंडा इंडिया. तो लिंडा इंडिया पे अगर आप चेक करोगे तो एक बहुत अच्छा हम लोगों को रेंज देखने को मिल रहा है. सो लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फॉर यू. सो आप यहाँ पर क्लियर बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है और कभी भी इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करा है. लेट मी शो यू. आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहां से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी जब इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर गया था एट जून 2020. दैट मींस कि 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से अभी तक इसने अपने रेंज को ब्रेक डाउन नहीं करा. 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, वो कभी भी उसको रीटेस्ट नहीं करता बट उसके पास आके एक बहुत अच्छा बाउंस देता है. वो बाउंस कैसे पता लगाते हैं? थ्रू दिस चैनल. आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट था, इसको बहुत अच्छे से सस्टेन करा एंड आफ्टर दैट दिस सपोर्ट एंड आप सारे सपोर्ट्स को अगर देखोगे तो जब भी आप लेट मी जस्ट शो, आप देख सकते हैं सपोर्ट से जब ये बाउंस कराए एग्जैक्टली यहाँ तक गया, जब नेक्स्ट सपोर्ट से बाउंस करा तो इससे ज्यादा बड़ी रैली हमें देखने को मिली है एंड ऑन थर्ड सपोर्ट इससे भी ज्यादा बड़ी, प्रीवियस रैली से भी ज्यादा बड़ी रैली हमें देखने को मिली है. सो दैट मीन्स कि अभी भी बहुत अच्छे सपोर्ट पे ये मेंटेन कर रहा है. हम डेफिनेटली इसके अंदर भी एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते. अभी करंट प्राइस चल रहा है 2947 रुपीज का, कब बाय करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड ऑन 2 आवर्स टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ पर इस तरीके का एक रेंज आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ.
सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये एक लेवल है जिस लेवल से एक पॉसिबल रिवर्सल आया था। सो व्हाट वी कैन डू, अगर ये 3035 के ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल भी क्लोज कर देती है तो हम अपना एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। अब बात आती है व्हाट शुड बी आवर स्टॉप लॉस। सो गाइस स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इसका कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फॉर यू वंस अगेन एंड हमें पता चल गया हमें एंट्री कहां पर लेनी है। अब बात कर लेते हैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस की। सो दिस शुड बी आवर एंट्री, दिस शुड बी आवर स्टॉप लॉस बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बिकॉज उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक का सिनेरियो भी चेंज हो सकता है। एंड आवर टारगेट शुड बी इजिली अराउंड 27.90%, दैट इज 3875 रुपीज का। क्या एग्जैक्टली हमें इसी टारगेट के लिए होल्ड करना है? बिल्कुल भी नहीं। अगेन आई एम सेइंग दिस लाइन कि मार्केट अभी भी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता मार्केट और कितना ज्यादा फॉल कर सकती है। सो व्हाट वी कैन डू, 5% का टारगेट हमारा अचीव होता है तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग अपनी 40% क्वांटिटी एग्जिट कर लेते हैं। जैसे हमारा 10% का टारगेट अचीव होगा हम अपनी रिमेनिंग 30% क्वांटिटी और एग्जिट कर लेंगे, और जैसे ही हमारा फुल टारगेट होगा हमारे पास जितनी रिमेनिंग क्वांटिटीज हम एग्जिट कर लेंगे। सो दैट मीन्स हम कैसे प्लान कर रहे हैं, 40 क्वांटिटीज अर्ली में एग्जिट करना है, 30 क्वांटिटीज मिड में एंड रिमेनिंग 30 क्वांटिटीज जब हमारा टारगेट अचीव होगा। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट बड़ा फॉल भी करती है और हम अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर रहे हैं, दैट विल हेल्प अस ग्रेटफुली और हम अपने मार्केट पे लॉसेस को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। सो आई पर्सनली थिंक कि बिलो 200 डे का हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एक अच्छा टारगेट ये प्रोवाइड करवा सकता है। सो गाइस दीज आर द 3 स्टॉक्स दैट आई एम रिकमेंडिंग यू एंड डेफिनेटली ये इस वाले मंथ में आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करवा के चल सकती है। एंड मेक श्योर करना कि इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो आई विल मीट यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑन द मंडे सेशन, बिकॉज वी विल कम लाइव ऑन टेलीग्राम चैनल एंड डेफिनेटली मार्केट सिनेरियो इज गोइंग टू बी वेरी गुड। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।